चौथे चरण का प्रचार खत्म। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। कहां से है समीकरण जान लीजिए, पूरी जानकारी अपडेट है कौन चित्रा है। 9 जिलों की 59 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में जान लीजिए, क्या समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है चौथे फेज में, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कुछ नहीं कर पाएगी, या फिर प्रचंड लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छी खासी लीड बनाएगी। तो यहां से लखीमपुर खीरी तक के मतदाता 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान करेंगे। सोमवार को चौथे चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया। पहले 3 चरणों में 403 में से 172 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और 9 जिलों की 59 सीटों यानी कि 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से ट्रायल बेल्ट और अवैध क्षेत्र के 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चौथे चरण के रायबरेली क्षेत्र में सभी विधानसभा चुनाव होंगे, जिससे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से लोकसभा सांसद है। उनके बेटे राहुल गांधी अमेठी से साल 2019 में लोकसभा चुनाव यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। साथ ही चौथे चरण में यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के इलेक्शन मैनेजमेंट की भी परीक्षा होगी। अगर अवध क्षेत्र के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखे तो जो पार्टी इस क्षेत्र में जीत दर्ज करती है सरकार उसी की बनती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति है। किन सीटों पर मतदान, तो यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 59 सीटों पर मतदान होगा, यानी कि पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीटें, लखीमपुर की यानी लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, हरदोई की 8, लखनऊ की 9, उन्नाव की 6, रायबरेली की 6, फतेहपुर की 4 और बांदा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर यानी कि 16 सीटें अनुसूचित जनजाति एससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 90% बीजेपी के पास है, यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट उसे सहयोगी अपना दल के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले 2 विधायक और बसपा के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। विपक्ष के लिए क्या है चुनौतियां? बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने साल 2017 के चुनाव में 9 जिलों में से 4 में स्वीप किया था। विपक्ष को यहां से 1 भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी ने पीलीभीत की सभी 4 सीटें, लखीमपुर की 8 सीटें, बांदा की 6 सीटें और फतेहपुर की 6 सीटें जीती थी, जिसमें से 1 अपना दल के खाते में गई थी। अवध क्षेत्र के हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जीती थी। सीतापुर में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि बसपा और सपा के खाते में 1-1 सीट आई थी। लखनऊ की 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि सपा को यहां पर सिर्फ 1 सीट मिली थी। रायबरेली में बीजेपी को यहां पर 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस को यहां पर 2 और सपा को यहां पर 1 सीट मिली थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 9 जिलों की 59 सीटों पर किसे मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, कौन मारेगा बाजी। तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। एक एक जिले यानी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की, तो यहां पर किसे कितनी सीटें मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें कहां कहां से हैं और कौन कौन यहां पर लड़ने जा रहा है। तो यहां पर पीलीभीत, बोरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर यानी कि 4 विधानसभा क्षेत्र है, 130 विधानसभा क्षेत्र है। तो यहां पर किसे कितनी सीट मिल रही है, तो यहां पर सबसे पहले नंबर पे आ रहा है पीलीभीत की 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सभी चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर काफी कुछ खोना पड़ सकता है और पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की मुखिया
आपको यहाँ पर मात्र 0 सीट। वही बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर पीलीभीत में क्या सीट मिलेगी। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खाते में भी 0-0 सीट, यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है 0-0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0-0 सीट और बाकी सभी सीटें चारों की चारों सीटें योगी आदित्यनाथ जीत सकते हैं। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी कर सकती है। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, लखीमपुर की 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी कर सकती है। लखीमपुर की कौन कौन सी 8 विधानसभा सीटें हैं तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, पलिया, निगासन, गोला, श्रीनगर, धोरहरा, लखीमपुर, कस्ता, मोहम्मदी। लखीमपुर की 8 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 6 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं अखिलेश यादव। तो वहीं बात कर लेते हैं लखीमपुर की 8 में से समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी को यहाँ पर 8 में से 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। लखनऊ की जिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो किसे कितनी सीट मिलेगी? पहले तो बात कर लेते हैं निर्वाचन क्षेत्रों में से लखनऊ में किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पिछली बार यहाँ पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, तो इस बार किसे कितनी सीट मिलेगी? तो दोस्तों यहाँ पर मलियाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ केट, मोहनलालगंज, इनमें से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में 8 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती की बात करें तो यहाँ पर मायावती को यहाँ पर 0 सीट और बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की, बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बांदा की 4 में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो यहाँ पर बांदा की बांदा, तीन दवारी, बबेरू, नरेनी, इन इलाकों में किसे कितनी सीट मिलेगी? तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ को सभी बांदा की चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट और मायावती को, बहन मायावती को यहाँ पर 4 में से 0 सीट। और बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी आते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली की 6 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? पहले तो बात कर लेते हैं रायबरेली के क्षेत्र वाइज निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बछरावा, हरचंद्रपुर, रायबरेली, शेरनी, उच्चहार, सलोन, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सभी 6 की 6 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है और अखिलेश यादव को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करके भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत सकती है। मायावती को यानी बहन मायावती को यहाँ पर 0 सीट और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। हरदोई की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं 8 में से हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ। तो वहीं हरदोई में 8 में से 1 सीट पर अखिलेश बाबू। तो वहीं बहन मायावती को यहाँ पर 0 सीट, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यानी बहन मायावती को भी यहाँ पर 0-0 सीट और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। फतेहपुर की 6 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और फतेहपुर की 6 में से समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 0-2 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और बहन मायावती को यहाँ पर फतेहपुर में 6 सीटों में से 0 सीट और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है।
और अन्य पार्टी को यहाँ पर एक विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। सीतापुर के 8 में से 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो सीतापुर की एक विधानसभा सीट पर अखिलेश बाबू काबिज हो सकते हैं। और बहन मायावती को यहाँ पर 0 सीट और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 74 चरण की 59 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 74 चरण की 59 सीटों में से 52 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, वहीं अखिलेश बाबू को यहाँ पर 7 विधानसभा सीट मिल सकती है 74 चरण में। वहीं बहन जी मायावती जी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा को यानी कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। और 74 चरण में अन्य पार्टी को यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।